हाँ जी बताओ, इन्वेस्टमेंट करते हो? हाँ करते हो। किस में? क्रिप्टो में। अबे झंडू, क्रिप्टो में तो पैसा बर्बाद होता है। देख सकते हैं यंग लड़के 62% क्रिप्टो में इन्वेस्ट कराता, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हो? उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग, जुआ। समझ रहे हो ना, शकुनी वाला भांजे, समझ रहे हो? तो वो जुआ होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मिडिल और लोअर क्लास का क्या हिसाब किताब है? इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अभी जो कमाई है वही बचती नहीं है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो इंडिया में अवेलेबल है, जहां पे हम लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, बताइए बताइए। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, और जो भी हमारा पैसा है उसको बढ़ाने के लिए, उसको कंपाउंड करने के लिए, तभी तो इन्वेस्टमेंट करा जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो भी अर्निंग है उसको सेविंग अकाउंट में रख के उसको डिप्रिसिएट करना है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन देख सकते हैं बढ़ रही है। बहुत सारे लोग एफडी कर लेते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि भैया इन्फ्लेशन आपका जो एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है उसको खा रहा है। तो आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो 2-3 चीज जरूर याद रखिएगा। पहले क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे आता है रिस्क। आप जिस भी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कैटेगरी में क्या रिस्क है, रिस्क भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड, जैसा रिस्क लेंगे वैसे आपको रिटर्न्स भी मिलेगा। अगर रिस्क कम लेंगे तो आपको रिटर्न्स भी कम मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो 3-4 पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाला हूं इस वीडियो में, और 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो बताऊंगा, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट भी आपको बताऊंगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको भूल के भी वैसे कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं देखा है कि 70-80% मिडिल क्लास लोअर क्लास उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके बर्बाद होते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है। तो इस वीडियो में 11 इन्वेस्टमेंट आइडियाज मैंने डिस्कस करा है, जिसमें से एक में तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उसमें होती है बर्बादी। किसकी बर्बादी? हमारी। हम लोग जो मेहनत से पैसा कमाते हैं और कंपनी वाले ले जाते हैं और हमें देते हैं सिर्फ थोड़ी सी मलाई, वो भी मलाई नहीं, जो भी थोड़ा बहुत रिटर्न्स मिलता है इन्फ्लेशन में चला जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो अनिल इनसाइट्स मेरा हैंडल है, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भैया आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो रिस्क देखिए, रिस्क ले सकते हैं। हाँ ले सकता हूं, अभी यंग हूं, यस। तो बिल्कुल आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यंग हैं और यंग एज में ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास हो सकता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे हेड्स हैं, लार्ज कैप, ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड, ELSS, इंडेक्स फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें रिस्क है लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट होराइजन मैंने आपको बोला था, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है तो बिल्कुल आप इस कैटेगरी से अच्छा वेल्थ बना सकते हैं। तो ये एसेट क्लास उनके लिए बेस्ट है जो लोग रिस्क ले सकते हैं और समय दे सकते हैं और यंग हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी एज 20, 21, 25, 30, 35, 40, 45 भी है, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरी आती है, उनमें आप अपने फंड के हिसाब से बिल्कुल SIP करने के बारे में सोच सकते हैं। इस एसेट क्लास में ऐसा नहीं है कि भैया चलो 10 लाख रुपया रहेगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, 500 रुपया, 500, 1000, 2000, 3000, जो भी है, जो भी आप अर्निंग करते हैं उसमें से कुछ पैसा बचा के आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम सुना है? नहीं सुना है ना, कैसे सुनेंगे हम लोग, नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो लोन लेते हैं, लोन लेते हैं कैसे, बैंक वाला राजा बनता है मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ जोड़ के, मालूम है ना, आप EMI भरते हैं खत्म ही नहीं होता, EMI भरते हैं खत्म ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि वहां पे चक्रवृद्धि चलता है। लेकिन वहीं पे उल्टा करके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हर साल 500, 1000, 2000, तो इस तरह से आपका पैसा क्या होता है, बढ़ता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझिए और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिए। दूसरा एसेट क्लास है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। अब PPF में रिस्क की बात करें तो
रिस्क भैया इसमें ना है, लो रिस्क है, जैसा आपका मालूम है ना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने आपको बताया ही। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, अभी इसका 7.1 इंटरेस्ट चल रहा है, जब से ये पीपीएफ आया है मैं देख रहा हूँ कि ये घटता ही जा रहा है, लेकिन अभी इसमें 7.1 है। और इसमें लॉकिंग भी होती है, तो मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो इसमें इन्वेस्टमेंट होराइजन देख सकते हो कि 15 साल का इसमें लॉकिंग होता है। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं टीसी में, और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो मलाई पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये एक बेनिफिट है। और एक और इसमें बेनिफिट है कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और मैच्योरिटी पे जो भी आपका पैसा मिलेगा, जो भी आपका लमसम मिलेगा, उस पे लड्डू, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपकी मोटी सैलरी है, अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब ज़्यादा है, तो बिल्कुल आपको पीपीएफ में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मालूम है ना भैया रिटायर तो होना ही है यार, तो पैसा ज़्यादा है तो पीपीएफ में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, सेफ इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इसमें इंटरेस्ट मिलता है, 7.1 अभी चल रहा है और टैक्स भी नहीं लग रहा है। लेकिन याद रखें कि इसमें 15 साल के लिए भैया इसमें लॉक इन होता है। तीसरा इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मिडिल क्लास के लिए फेवरेट इन्वेस्टमेंट ये क्लास है कि भैया मुझे एफडी करना है, एफडी करा है मैंने, 3-3 एफडी चल रही है मेरी, राइट। तो एफडी में मैंने आप लोगों को बोला है कि एफडी में उतना ही अमाउंट रखना चाहिए जो इमरजेंसी, बुरे वक्त, संकट में काम आए, जो भी अर्निंग करते हैं उसका 6 महीने या 1 साल का कॉर्पस जो है आपको एफडी में रखना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और एफडी में नहीं रख सकते हैं तो लिक्विड फंड में रख सकते हैं। तो एफडी में आप इन्वेस्ट करिए, एफडी देखो भैया एफडी बुरा नहीं है, जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड, तो एफडी में भी फिक्स्ड यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है और इसमें रिस्क जो है ना के बराबर है, इसमें एक रिस्क भी है वो भी मैं अभी बताऊंगा। तो एफडी में आपको इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन आपको और भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि चलो भैया हम एफडी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें रिस्क की, तो देखिए एफडी में मैंने बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को देखा है कि इस एनबीएफसी यार ये तो 7.7% दे रही है, चलो इसमें मैं एफडी कर देता हूँ, चलो ये बैंक जो है 7.6 दे रहा है, मैं इसमें एफडी कर देता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि देखो सारे एनबीएफसी बैंक सबको रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, लेकिन मैं देखता हूँ ब्रांड, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा नहीं है, आप 3-5 साल के लिए एफडी कर रहे हैं, तो आपको ब्रांड के साथ जाना चाहिए, आपको जो ब्रांड हैं, जो ट्रस्टेड ब्रांड हैं, जो ट्रस्टेड बैंक हैं, उनके साथ आपको एफडी करना चाहिए। नहीं तो देखा है ना इंडिया में बहुत सारे बैंक रन हुए हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर भागता है मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। तो एफडी कर भी रहे हैं तो ब्रांडेड जो बैंक हैं उन्हीं के साथ आपको एफडी करना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा है ETF और इंडेक्स फंड। ये देखिए अब बहुत सारे लोग अपने भैया काम काज में व्यस्त रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, तो उनको इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आप इंडेक्स फंड और ETF में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं, अब वो आपको डेली बेसिस पे आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो 50 कंपनियां जैसे काम करेंगी, जिस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे उस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। और देख सकते हैं कि 12-13 साल से निफ्टी 50 12-13% CAGR का रिटर्न्स निकाल के दिया है, देख सकते हो। आपको एफडी में 6-7% मिलता है और यहाँ पे ETF सिर्फ इंडेक्स फंड ही आपको 13-14% रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। तो इंडेक्स में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप बहुत सारे ETF भी हैं जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ETF और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका रिस्क जो है मॉडरेट हो जाता है और इसमें आपकी पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाती है, क्योंकि निफ्टी 50 में जो कंपनियां लिस्टेड हैं सारी अलग अलग सेक्टर से हैं, कोई ऑटो से है, कोई FMCG से है, कोई फार्मा से है, कोई IT से है, कोई कंज्यूमर से है, कोई कैपिटल गुड से है, कोई एनर्जी से है, कोई पावर से है, तो सारे सेक्टर का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो थोड़ा आप मॉडरेट रिस्क लेने वाले हैं तो बिल्कुल आपको इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगला जो क्लास है NPS नेशनल पेंशन स्कीम। देखो भैया अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते रहिए, लेकिन बुढ़ौती, मैंने आपको बताया ना कि अभी आप यंग हैं तो पैसा जोड़ते रहिए, बुढ़ौती भैया आजकल से जमाना चेंज हो रहा है। तो NPS बिल्कुल आपको NPS में
बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन एनपीएस में भी देख सकते हैं कि लॉक इन 60 साल के जब बूढ़े हो जाएंगे तब, इसकी मैच्योरिटी थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। 80C में 1.5 लाख रुपया बचा सकते हैं और 80CCD में भी 50,000 और एक्स्ट्रा, तो 2 लाख, समझ रहे हैं। तो मोटा सैलरी है तो बिल्कुल आपको एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। और एनपीएस में सबसे अच्छी बात यह है कि एनपीएस में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट को अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं रिस्क ले सकता हूं, तो इक्विटी में 60% एक्सपोजर ले सकते हो और 40% बॉन्ड्स में और अदर क्लास में भी, डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो एनपीएस लंबे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो एनपीएस व्हाइट कलर जॉब है, मोटी सैलरी है और बुढ़ापे अच्छे से काटनी है, तो बिल्कुल नेशनल पेंशन स्कीम उनके लिए बेटर है। अगला जो एसेट क्लास है, लाइक। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो देखिए देखिए देखिए। अगला जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETF, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को देखते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप खरीदते हैं तो कभी कभी गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट भी देती है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें भी लॉक इन होता है। लेकिन इसमें एक नहीं दो दो फायदे हैं कि इसमें आपका गोल्ड का जो प्राइस बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऊपर से गवर्नमेंट भी आपको 2.5% इंटरेस्ट देती है, तो देख सकते हो। लेकिन इसमें यही है कि लॉकिंग है, तो सॉवरेन गोल्ड हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सारे कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो गोल्ड ही बचाते हैं, जितने भी ये टाई बेल्ट वाले हैं ये पोर्टफोलियो को हैज करते हैं, किससे, गोल्ड से। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें गोल्ड में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम मिडिल क्लास जाते हैं ब्रांडेड ज्वेलरी खरीदने और वहां पे 25-30% मेकिंग चार्ज दे देते हैं, तो वहीं पे देख सकते हो कि 25-30% आपका पैसा डिप्रिसिएट हो गया क्योंकि आप मेकिंग चार्ज दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा हटके सोचना चाहिए। और ऊपर से गोल्ड ETF, बहुत सारे मार्केट में गोल्ड ETF भी अवेलेबल हैं, उनमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी होता है। तो अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखी है तो अपने पोर्टफोलियो का 10-15% आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाती है। तो अगर आप ऑनलाइन गोल्ड खरीदेंगे तो इसमें कोई आपको चूना नहीं लगा सकता है। कौन चूना, सुनार के पास जाते हैं तो मालूम है ना, कभी सोने में ऊपर नीचे हो जाता है, मिला देते हैं वो लोग। तो इसमें प्योरिटी पूरी रहती है और चोर और कुछ नहीं आता, ये सब मालूम है ना, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता है, तो इसका बेनिफिट ये है। तो इस क्लास में क्या है, इसमें रिस्क आपका बहुत कम है और इसमें अच्छा खासा कमाई भी होती है, तो 12-13% इससे भी आप सॉवरेन गोल्ड से बना सकते हैं। अगला जो एसेट क्लास है, रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में बोलेंगे, अरे भैया कहाँ रियल इस्टेट की बात कर रहा है, रियल इस्टेट में तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटा पैसा चाहिए। तो अगर आपके पास मोटा पैसा है तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करिए, वो सबसे बेटर है। लेकिन फ्लैट में नहीं कि चलो फ्लैट खरीद लिए 20 साल EMI भर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, रियल इस्टेट में भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करेंगे तो आप भैया समझदार इन्वेस्टर हैं, लेकिन डिपेंड करता है, कमर्शियल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क बहुत है। कैसा रिस्क, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अरे भैया देखो ना इस रोड में मॉल बन रहा है, मैंने इस दुकान में बुकिंग कर दी। अरे भैया बुकिंग कर दी है तो इसमें रिस्क ज्यादा है। मॉल में खास करके आपको शॉप वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे मॉल बंद हो गए हैं। तो जब भी आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो एरिया का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, आने वाले दिनों में वहां उस एरिया में फुटफॉल क्या, ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास मोटा पैसा है तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करिए, जनसंख्या बढ़ रही है, प्लॉट थोड़ी ना जाएंगे। तो रियल इस्टेट तो भैया बिल्कुल अचल संपत्ति है। और अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आजकल तो RET आ गया, जैसे म्यूचुअल फंड। क्या है म्यूचुअल फंड, भी एक तरह का ट्रस्ट है। ट्रस्ट बोले तो बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं है वो थोड़ा थोड़ा पैसा ट्रस्ट में जमा करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट तो होता है, नीचे स्पॉन्सर होता है, नीचे AMC कंपनी होती है जो पैसे को मैनेज करती है। उसी तरह से आजकल मार्केट में आ गए हैं RIT। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे टॉल हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गई, वहाँ पे जो रेंटेड आता है उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जिस तरह से रेंट में अर्निंग होती है और जिस तरह से प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है, उसी हिसाब से जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पे रिटर्न्स भी क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पैसा नहीं है तो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो का 5% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चलो पूरा इन्वेस्ट कर दें। अगला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। यस, ये स्कीम भैया सबसे बेस्ट है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं, अगर आपकी एज 60
प्लस है, तो बिल्कुल इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें तो एक आपको इंटरेस्ट अभी 8.2 चल रहा है, तो एफडी से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मैक्सिमम 30 लाख आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें 5 साल का लॉकिंग भी है, तो ये बेस्ट है भैया स्कीम जो लोग सीनियर सिटीजन है। लेकिन बहुत सारे मैंने सीनियर को देखा है कि भैया मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरे अभी नीचे कोई देखने वाला नहीं है, सारे हमारे बच्चे सेटल्ड हैं, तो बस अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा सा और भी एसेट क्लास है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला जो है एनएससी और किसान विकास पत्र, तो किसान विकास पत्र तो ये सब हमारे पिताजी और पुराने लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे, तो हम लोग थोड़ा यंग हैं यार। बात करें हम एनएससी की, तो एनएससी के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं। इसमें भी देखिए लॉकिन रहता है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन देखिए कि भैया इतना टाइम मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो एनएससी में भी 5 ईयर्स का लॉकिन रहता है। वहीं पे अगर हम अभी करेंट में इसका इंटरेस्ट रेट देखें तो 7.7% इसमें अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो देख सकते हैं कि एफडी से ज्यादा ही है। लेकिन मेच्योरिटी में जो अमाउंट मिलेगा उस पर भैया टैक्स लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम पीपीएफ से इसको कंपेयर करें तो पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट मिल रहा था आपको सिर्फ 7.1%, लेकिन उसमें इंटरेस्ट और मेच्योरिटी का जो अमाउंट है वो क्या है बताइए, उस पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है। लेकिन वहीं पे अगर हम एनएससी की बात करें तो इसमें जो भी आपको मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल है और इसमें 5 ईयर्स का लॉकिंग भी है। तो अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कोई एज का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी एज ग्रुप वाला बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और इसमें भी आप 1.5 लाख का एटीसी में रिबेट ले सकते हैं। अगला जो है फेवरेट यूएलपी ले ले, यूएलपी ले ले। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि यूएलपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि तो यही ये कल्प्रिट है यूएलपी। यूएलपी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां पे एजेंट आएगा क्या बोलेगा, सर अभी आप यंग हैं, आप देखिए 1-1.5 लाख रुपया भरते रहिए, 10 साल के बाद आपको इतना पैसा भी मिलेगा, कवर भी मिलेगा। अरे भैया काहे मूर्ख बना रहे हो, आजकल देख सकते हैं कि 1.5-2 हज़ार महीना खर्च करके आप टर्म इंश्योरेंस 1.5-2 करोड़ का ले सकते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करिए। लेकिन एजेंट, बैंक और अलग अलग जो लोग हैं जो गुमराह करते हैं मिडिल क्लास को, उसको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं और वो लोग 70-80% ज़्यादा इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं और थोड़ा बहुत कहाँ पे इक्विटी में। अगर हम यूएलपी का रिटर्न्स देखें तो ये इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाते हैं, 5-6% सोच सकते हैं। तो भैया टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए अलग से और क्या बताइए, इन्वेस्टमेंट करिए अलग से। टर्म इंश्योरेंस अगर आपको बाय करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके टर्म इंश्योरेंस बाय कर लीजिए। जितना आप यंग हैं जल्दी से जल्दी टर्म इंश्योरेंस बाय कर लीजिए, यंग हैं तो आपको प्रीमियम कम मिलेगा। यूएलपी मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूएलपी में इन्वेस्ट करते हैं, देखो 15 साल के बाद इतना पैसा भी मिलेगा, मैं कवर भी हूँ और टैक्स फ्री भी। अरे हद है यार, अगर आप टर्म इंश्योरेंस कराओगे तो वहां भी टैक्स फ्री है, समझ रहे हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इलेसिस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करोगे तो 1.5 लाख वहां भी टैक्स फ्री है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ये तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है, तो इस कल्प्रिट से आपको बच के रहना है। बहुत सारे लोग पैसे बर्बाद करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत मोटा मोटा पैसा दे रहे हैं यूएलपी में, कोई मतलब नहीं। अगला जो कैटेगरी है सुकन्या समृद्धि योजना, देख सकते हैं आजकल बच्चे भैया सेल्फी ले ले, सेल्फी ले, सेल्फी ले रहे हैं ये लोग। तो सुकन्या समृद्धि में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो इस स्कीम में अभी 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो 8.8 समथिंग मिल रहा था, अभी इस पे भी थोड़ी सी हमें देख रहा है कि घट रहा है, लेकिन 8% इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है और इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें भी आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में यही है कि भैया ये सिर्फ गर्ल के लिए है, अगर आपकी बेटी की एज जो है 10 साल है या उससे कम है तो आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 15 साल तक की पैसा ऐड करना है और 21 साल के बाद जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको कॉर्पस मिलेगा और जो कॉर्पस मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई एजुकेशन हो गया या बच्ची की शादी हो गई 18-19-20 साल में अगर आप कर रहे हैं तो पार्शली आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में बेटी है तो बिल्कुल, ये तो लक्ष्मी है, तो
10 साल से कम उम्र है तो भैया एक अकाउंट ओपन कर लीजिए और कुछ पैसा ऐड करते रहिए। बिल्कुल देखिए सुकन्या में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें तो देखो इसमें टैक्स भी फ्री है और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा मिल रहा है और 15 साल तक ही आपको भैया पैसा भरना है। और कब आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं भैया मालूम नहीं चलता है, तो 18-20 साल की जैसे बच्ची हो जाएगी तो आपके पास मोटा पैसा भी हो जाएगा। तो अगर आपकी मोटा सैलरी है तो बिल्कुल आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। मोटी सैलरी नहीं भी है तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए और इसमें ऐड करते रहिए। इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा सेफ भी है, इसमें रिस्क भी कम है और इसमें देख सकते हैं कि एफडी से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया मेरे पास बेबी गर्ल नहीं है, बेबी बॉय है। तो बेबी बॉय भी है तो अपने रिस्क के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में बहुत सारे मालूम है ना, अगर आप यंग हैं तो आप म्यूचुअल फंड में भी SIP शुरू कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि बच्चों के लिए कौन सा ऐसा एसेट क्लास बेस्ट रहेगा जो भैया पैसा छाप के देगा। कब? 2-3 साल में नहीं, 15-20 साल में, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो उनका कॉर्पस भी बड़ा हो जाएगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, बूंद बूंद से तालाब भर जाएगा। जब बड़े हो जाएंगे तो इनको पढ़ने की जरूरत क्या है, बिजनेस करना रे बाबा। और बड़े लोग यही करते हैं, बड़े लोग अपने बच्चों को थोपते नहीं है कि भैया आपको 80% लाना है, आपको 90% लाना है। नहीं, बड़े लोग बोलते हैं बेटा जो तेरी हॉबी है वो कर, बिंदास होके कर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो लोग अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं, तुझे कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाएगा, निकम्मा है, ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मेरे बच्चे के लिए मैंने भी पैसा जोड़ रखा है। कुछ नहीं करेगा तो कुछ बिजनेस तो करेगा ही। और याद रखिएगा कि सारे लोग सोचते हैं कि ये बच्चा निकम्मा, ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, वही बच्चा आगे बढ़ के नाम करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।